शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो सब चीजों का मालिक है, यानी वो कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, और आखिरत में भी उसी की तारीफ है, और वो हिकमत वाला है खबरदार है। जो कुछ जमीन में दाखिल होता है और जो उसमें से निकलता है, और जो आसमान से उतरता है और जो उस पर चढ़ता है, सब उसको मालूम है, और वो मेहरबान है बख्शने वाला है। और काफिर कहते हैं कि कयामत की घड़ी हम पर नहीं आएगी। कह दो, क्यों नहीं आएगी? मेरे परवरदिगार की कसम, वो तुम पर जरूर आकर रहेगी। वो परवरदिगार गैब का जानने वाला है, जर्रा भर चीज भी उससे पोशीदा नहीं, ना आसमानों में और ना जमीन में, और कोई चीज जर्रे से भी छोटी या बड़ी नहीं मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। इसलिए कि जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको बदला दे, यही हैं जिनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है, और जिन्होंने हमारी आयतों के बारे में हमें हराने की कोशिश की उनके लिए सख्त दर्द देने वाले अजाब की सजा है। और जिन लोगों को इल्म दिया गया है वो जानते हैं कि जो कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है वो यकीनन हक है, और उस अल्लाह का रास्ता बताता है जो गालिब है काबिल तारीफ है। और काफिर कहते हैं कि भला हम तुम्हें ऐसा आदमी बताएं जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम मरकर बिल्कुल रेजा रेजा हो जाओगे तो तुम नए सिरे से पैदा होगे, या तो उसने अल्लाह पर झूठ बांध लिया है या उसे जुनून है। बात यह है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो आफत और परले दर्जे की गुमराही में पड़े हैं। क्या उन्होंने उसको नहीं देखा जो उनके आगे और पीछे है, यानी आसमान और जमीन? अगर हम चाहें तो उनको जमीन में धंसा दें या उन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें। इसमें हर बंदे के लिए जो रुजू करने वाला है एक निशानी है। और हमने दाऊद को अपनी तरफ से बर्तरी बख्शी थी और कहा था, ऐ पहाड़ों इनके साथ तस्बीह करो, और परिंदों को उनका मुसख़र कर दिया, और उनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया कि कुशादा ज़रहें बनाओ और कड़ियों को अंदाजे से जोड़ो, और नेक अमल करो। जो अमल तुम करते हो मैं उनको देखने वाला हूं। और हवा को हमने सुलेमान के ताबे कर दिया था, उसकी सुबह की मंजिल एक महीने की राह होती और शाम की मंजिल भी महीने भर की होती, और उनके लिए हमने तांबे का चश्मा बहा दिया था, और जिन्नों में से ऐसे थे जो उनके परवरदिगार के हुक्म से उनके आगे काम करते थे, और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म के खिलाफ करेगा उसको हम जहन्नम की आग का मजा चखाएंगे। वो जो चाहते ये उनके लिए बनाते, यानी कले और तस्वीरें और बड़े बड़े लगन जैसे तालाब और देगें जो एक ही जगह रखी रहें। ऐ आले दाऊद, शुक्र करते रहो, और मेरे बंदों में शुक्रगुजार थोड़े हैं। फिर जब हमने उनके लिए मौत का हुक्म सादिर किया तो किसी चीज से उनका मरना मालूम न हुआ मगर घुन के कीड़े से जो उनके आशा को खाता रहा। फिर जब वो गिर पड़े तब जिन्नों को मालूम हुआ और कहने लगे कि अगर वो गैब जानते होते तो जिल्लत की तकलीफ में न रहते। अहले सभा के लिए उनके वतन में एक निशानी थी, यानी दो बाग, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। कहा गया कि अपने परवरदिगार का रिज़्क खाओ और उसका शुक्र करो, यहां तुम्हारे रहने को यह पाकीजा इलाका है और वहां बड़ा बख्शने वाला मालिक। तो उन्होंने शुक्रगुजारी से मुंह फेर लिया, बस हमने उन पर बंद तोड़ सैलाब छोड़ दिया, और उन्हें उनके बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए जिनके मेवे बदमजा थे और जिनमें कुछ तो झाऊ के पेड़ थे और थोड़ी सी बेरियां। यह हमने उनको नाशुक्री की सजा दी, और हम सजा नाशुक्र ही को दिया करते हैं। और हमने उनके और मुल्क शाम की उन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत दी थी एक दूसरे के मुत्तसिल देहात बनाए थे जो सामने नजर आते थे, और उनमें आमद रफ्त का अंदाजा मुकर्रर कर दिया था कि रात दिन बेखौफ खतर चलते रहो। तो उन्होंने दुआ की कि ऐ परवरदिगार हमारी मुसाफतों में दूरी पैदा कर दे, और उससे उन्होंने अपने हक में जुल्म किया। तो हमने उन्हें नाबूद करके दास्तान बना दिया और उन्हें बिल्कुल मुंतशिर कर दिया। इसमें हर साबिर और शाकिर के लिए निशानियां हैं। और शैतान ने उनके बारे में अपना ख्याल सच कर दिखाया कि मोमिनों की एक जमात के सिवा वो उसके पीछे चल पड़े, और उसका उन पर कुछ जोर न था, मगर हमारा मकसूद यह था कि जो लोग आखिरत में शक रखते हैं उनसे उन लोगों को जो उस पर ईमान रखते हैं मुमताज कर दें। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज पर निगहबान है। कह दो कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा माबूद ख्याल करते हो उनको बुलाओ, वो आसमानों और जमीन में जर्रा भर चीज के भी मालिक नहीं है और न उनमें उनकी शिरकत है,
और न उनमें से कोई अल्लाह का मददगार है, और अल्लाह के हां किसी के लिए सिफारिश फायदा न देगी मगर उसके लिए जिसके बारे में वो इजाजत बख्शे, यहां तक कि जब उनके दिलों से इस्तराब दूर कर दिया जाएगा तो कहेंगे कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया है, फरिश्ते कहेंगे कि हक फरमाया है, और वो आली रुतबा है गरामी कद्र है। पूछो कि तुमको आसमानों और जमीन से कौन रिस्क देता है, कहो कि अल्लाह, और हम या तुम या तो सीधे रास्ते पर हैं या खुल्लम खुल्ला गुमराही में। कह दो कि न हमारे गुनाहों की तुमसे पुरसिश होगी और न तुम्हारे आमाल की हमसे पुरसिश होगी। कह दो कि हमारा परवरदिगार हमको जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर देगा, और वो खूब फैसला करने वाला है, साहिब इल्म है। कहो कि मुझे वो लोग तो दिखाओ जिनको तुमने अल्लाह का शरीक बनाकर उसके साथ मिला रखा है। कोई नहीं, बल्कि वही अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम, हमने तुमको तमाम लोगों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते और कहते हैं, अगर तुम सच कहते हो तो बताओ ये कयामत का वादा कब पूरा होगा। कह दो कि तुमसे एक ऐसे दिन का वादा है जिससे न एक घड़ी पीछे रहोगे और न आगे बढ़ोगे। और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि हम न तो इस कुरान को मानेंगे और न उन किताबों को जो इससे पहले की हैं, और काश इन जालिमों को तुम उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े होंगे और एक दूसरे पर इल्जाम धर रहे होंगे। जो लोग कमजोर समझे जाते थे वो बड़े लोगों से कहेंगे कि अगर तुम न होते तो हम जरूर ईमान ले आते। जो लोग बड़े बन बैठे थे वो कमजोरों से कहेंगे कि भला हमने तुमको हिदायत से जब वो तुम्हारे पास आ चुकी थी रोका था? नहीं, बल्कि तुम ही गुनाहगार थे। और कमजोर लोग उन बड़े लोगों से कहेंगे, नहीं बल्कि तुम्हारी रात दिन की चालों ने हमें रोक रखा था जब तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह से कुफ्र करें और उसका शरीक बनाएं। और जब वो अजाब को देखेंगे तो दिल में पशेमान होंगे, और हम काफिरों की गर्दनों में तौक डाल देंगे, बस जो अमाल वो करते थे उन्हीं का उनको बदला मिलेगा। और हमने जिस बस्ती में भी कोई डराने वाला भेजा तो वहां के खुशहाल लोगों ने यह जरूर कहा कि तुम लोग जो चीज देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानने के। और यह भी कहने लगे कि हम बहुत सा माल और औलाद रखते हैं और हमको अजाब नहीं होगा। कह दो कि मेरा रब जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और तुम्हारे माल और औलाद ऐसी चीज नहीं कि तुमको हमसे करीब कर दें। हां, हमारा मुकर्रब वो है जो ईमान लाया और अमल नेक करता रहा। ऐसे ही लोगों को उनके अमाल के सबब दुगना बदला मिलेगा और वो अमन चैन से बुलंद बाला इमारतों में रहेंगे। जो लोग हमारी आयतों के सिलसिले में हमें हराने की कोशिश करते हैं वो गिरफ्तार अजाब किए जाएंगे। कह दो कि मेरा परवरदिगार अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, और तुम जो चीज खर्च करोगे वो उसका तुम्हें एवज देगा, वो सबसे अच्छा रिस्क देने वाला है। और जिस दिन वो इन सब को जमा करेगा फिर फरिश्तों से फरमाएगा, क्या ये लोग तुमको पूजा करते थे? वो कहेंगे, तू पाक है, तू ही हमारा दोस्त है, ना कि ये, बल्कि ये जिन्नात को पूजा करते थे और अक्सर उन्हीं को मानते थे, तो आज तुम में से कोई किसी को नफा और नुकसान पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता। और हम जालिमों से कहेंगे कि अब दोजख के अजाब का जिसको तुम झूठ समझते थे मजा चखो। और जब उनको हमारी रोशन आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं, ये एक ऐसा शख्स है जो चाहता है कि जिन चीजों की तुम्हारे बाप दादा परस्तिश किया करते थे उनसे तुमको रोक दे। और ये भी कहते हैं कि ये कुरान महज झूठ है जो अपनी तरफ से बना लिया गया है, और काफिरों के पास जब हक आया तो उसके बारे में कहने लगे कि ये तो खुला जादू है। और हमने न तो इन मुशरिकों को किताबें दी जिनको ये पढ़ते हों, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न तुमसे पहले इनकी तरफ कोई डराने वाला भेजा, और जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने तकजीब की थी, और जो कुछ हमने उनको दिया था ये उसके दसवें हिस्से को भी नहीं पहुंचे। फिर उन्होंने मेरे पैगंबरों को झुटलाया, सो मेरा अजाब कैसा हुआ। कह दो कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बात की नसीहत करता हूं कि तुम अल्लाह के लिए दो दो और अकेले अकेले खड़े हो जाओ, फिर गौर करो तुम्हारे रफीक यानी इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह का जुनून नहीं, ये तो तुमको सख्त अजाब के आने से पहले डराने वाले हैं। कह दो कि मैंने तुमसे कुछ सिला मांगा हो तो वो तुम्हारा,
मेरा सिला अल्लाह ही के जिम्मे है और वो हर चीज से खबरदार है। कह दो कि मेरा परवरदिगार ऊपर से हक ही नाजिल करता है और वो गैब की बातों का जानने वाला है। कह दो कि हक आ चुका और बातिल न तो पहले कुछ कर सकता है और न दोबारा कुछ करेगा। कह दो कि अगर मैं गुमराह हूं तो मेरी गुमराही का जरर मुझी को है, और अगर हिदायत पर हूं तो ये उस वही के तुफैल है जो मेरा परवरदिगार मेरी तरफ भेजता है, बेशक वो सुनने वाला है, नजदीक है। और काश तुम देखो जब ये घबरा जाएंगे तो अजाब से बच नहीं सकेंगे और नजदीक ही से पकड़ लिए जाएंगे और कहेंगे कि हम इस पर ईमान ले आए, और अब इतनी दूर से उनका हाथ ईमान के लेने को कैसे पहुंच सकता है, जबकि पहले तो उसका इनकार करते रहे और बिन देखे दूर ही से अटकल के तीर चलाते रहे, और इनमें और इनकी ख्वाहिशों में पर्दा हायल कर दिया गया, जैसा कि पहले इनके हम जिंसों से किया गया, वो भी उलझन में डालने वाले शक में पड़े हुए थे।